बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। जय जय गुरुदेव बाल मुकुंद जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। जय जय। आइए साथियों, श्री कल्कि वर्तमान पुस्तिका जो हम जिसका हम यहाँ पाठ करेंगे, गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी का लिखा हुआ, आज हम पेज नंबर 12 पर जो पत्र है, यह पत्र गुरुदेव ने अपने परम मित्र परम सखा श्री जितेंद्र जी को लिखा, जो उनके साथ में जेल में थे। आइए देखते हैं गुरुदेव ने उनको क्या क्या बातें कही, और हमारा यह प्रयास अगर इससे किसी को कुछ भी सुख मिले, उनके जीवन जीने का नया रास्ता, भगवान से जुड़ने का नया उनका संबंध बने, तो ये हमारा प्रयास सफल होगा। गुरुदेव लिखते हैं, श्री कल्कि भगवते नमः। प्रिय जितेंद्र, तुम्हारा पत्र मिलने से मुझे इतना आनंद हुआ जैसे किसी का मरा हुआ आदमी लौट आए, जैसे किसी निसंतान के घर में संतान हो जाए। सिवाय तुम्हारे आज तक मैंने किसी को पत्र नहीं लिखा। तुम्हारा अनुभव था कि जेल की कोठरी में रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आओ मंत्र हम तुम्हें दें, और वह मंत्र कल्कि भगवान ने मेरे द्वारा तुम्हें दिलवाया। इसीलिए मेरा मन तुम्हारी तरफ ऐसे लगा रहता है जैसे पक्षी का मन अपने अंडे और घोंसले में लगा रहता है, वैसे मैं बड़ा बेप्रीत निष्ठुर कठोर आदमी हूं। संसार में सिवाय कल्कि भगवान के ना कोई प्यारा है और ना ही कोई प्यार करने योग्य है। जितना जो आदमी मेरे कल्कि भगवान से प्रेम करता है और उसका सम्मान करता है, उतना ही मैं उससे प्रेम करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। नहीं तो मैं सबको अपरदार्थ और तुक्ष वस्तु ही समझता हूं, और उससे मैं एक सेकंड भी प्रेम करने को तैयार नहीं हूं। मेरे गुरु ने और मेरे गुरु के बताए मार्ग पर चलने से कल्कि भगवान ने मुझे यह लालच लगा दिया कि कल्कि भगवान का नाम जपने से सारी पृथ्वी पर्यंत के दुष्ट असुरों का बीज नाश हो जाएगा। जहां से सूर्य उदय होते हैं और जहां सूर्य अस्त होते हैं, वहां तक के गौ हत्यारों का दहन और विध्वंस हो जाएगा। वेद पुराण शास्त्र संतों और सदग्रंथों और ब्राह्मणों के सम्मान की स्थापना हो जाएगी। मुझे ईश्वर की ओर से काम मिला। मैंने अपना जीवन कल्कि भगवान को समर्पण कर कल्कि भगवान के नाम जपने में ही लगा दिया। मुझे भगवान ने सफलता दी और जितना काम किया उसका हाथों हाथ फल मिला। अगले जन्म में जो आध्यात्मिक सुख जगन माता के रूप में मुझे दिया था, उससे असंख्य गुना इस जन्म में कल्कि रूप में मुझे दिया है। आज मेरा काम निश्चयात्मक यूरोप के भौतिकवाद का कोई ध्येय नहीं है। उनके यहाँ खाली कामनी और कांचन, गोल्ड और वुमेन है, जो ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान से जीव को कभी मिलने नहीं देते और जीव को खाली कुत्ता और बिल्ली बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, मोक्ष मतलब भगवान, ये चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। दीपा नाम दीपे राजोयम, भारतवर्ष संसार का राजा है, भगवान का प्यारा देश है, भगवान का अपना प्यारा सनातन धर्म है। इसकी रक्षा के लिए वे अवतार लेते हैं। जितने उस समय के क्रांतिकारी थे वे सब कम्युनिस्ट बने हुए हैं और उन्हें इस समय कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लीडरों ने भी, भारत के नेताओं ने भी अपना ध्येय यूरोप को ही बना लिया है, जिससे भारत ने आज राजशक्ति विराज शासन हाथ में आने पर भी भारत में गोहत्या जारी है और पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन पर जनरेशन चल रही है। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहां न सपनहुं सुख जाही। ऐसे लोग भगवान को सपने में भी नहीं पा सकते। मुझे भगवान विश्वास देते चले गए और मैं अपने ध्येय से चिपटा रहा।
मेरा पूरा परिवार और मेरी सारी रिश्तेदारियां कल्कि नाम जप में लगे हैं और कल्कि नाम की नई आशा से भारी अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। दो महाभारत हो चुकी है, तीसरी की तैयारी चल रही है। जिसको रोकने की अंग्रेज तैयारी कर रहे हैं, उनके चेले, उनके उत्तराधिकारी, उनकी मान्यताओं को मानने वाले, परंपराओं को भारतवर्ष में जारी रखने की इच्छा करने वाले ये टिंडक बिंडक शास्त्री नेता वगैरह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और यह तीसरी महाभारत रुकेगी नहीं। यह कल्कि भगवान की दी हुई पूर्ण आहुति होगी या युद्ध पूर्ण की आहुति होगी। हमारे तुम्हारे साथी क्रांतिकारी लोग थे तो दैवी संपत्ति के, परंतु इस समय मार्ग भ्रष्ट, पद भ्रष्ट और ध्येय भ्रष्ट होकर अधिकतर कम्युनिस्ट हो गए। आर्थिक कठिनाइयां मेरे ऊपर भी लगातार पड़ती रहीं। आप देखते तो रो पड़ते, परंतु उनमें भी कल्कि भगवान ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कठिनाइयां दुखों का इतिहास ही श्रेयस है। ऋषि मुनि और देवता हो गए सब अज्ञान, अंग्रेजी पढ़ते फिरे कर कर के अभिमान। अंग्रेजी को त्याग दो, जिम त्यागे आही कांचली, करो असुर से रार कड़ी भक्त प्रहलाद जिमी। हे माया सुंदरी मम आज्ञा अनुसार, असुर से असुर भिड़ाई के कर डालो संघार। कल्कि भगवान का नाम बिना जीवन मुर्दे के समान है। इतना बड़ा काम जिस नाम के अधीन है, उस नाम को मैं भला कैसे छोड़ सकता और उसके बिना मैं कैसे जी सकता था। मेरे जीवन का एक एक मिनट बेकार नहीं गया, रेत में सिर्फ छिपाकर नहीं पड़ा रहा। तुम और हम जीवन की संध्या में चल रहे हैं, जो आयु निकल गई वे आगे दिखाई नहीं पड़ रही। जंगल में चलते हुए दीपक की तरह ना मालूम हवा का कौन सा झोंका आकर कब बुझाकर चला जाए, इसलिए सारी उम्र सोना ठीक नहीं है। भाई साहब, आजकल 1.5 साल से कल्कि भगवान महाराज ने अनुभव में एक ऐसा काम दिया है, भेजा है, उन्होंने वायदा किया है, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापद जय रमापते के मंत्र द्वारा मेरी पुकार करो, तुम्हारा भी बल बढ़ेगा और देश का भी बल बढ़ेगा और मैं जल्दी युद्ध छेड़कर भारत से पूर्णतः अधर्म को समाप्त कर दूंगा। बोलो कल्कि भगवान महाराज की जय। जय जय गुरुदेव बाल मुकुंद जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। यह पत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका पाठ, अगला पाठ हम आगे के पत्र में आपको पुनः सुनाएंगे। बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। जय जय गुरुदेव बाल मुकुंद जी महाराज की जय और जय जय गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी का जो पुस्तक श्री कल्कि वचनामृत अश्रुतवाणी का हमने एक पत्र लिया था, आज उसका हम पार्ट जो सेकंड है वो ले रहे हैं। ये पत्र पेज नंबर 12 पे था और हमने 15 तक इसको पढ़ा था। आगे का जो वृतांत है वो हम आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापद जय रमापते, इस मंत्र की ध्वनि से पुकार करने से देश का बल बढ़ेगा और हमारा भी बल बढ़ेगा। और भगवान कह रहे हैं कि मैं जल्दी युद्ध छेड़कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। गुरुदेव आगे कहते हैं, प्रत्येक रविवार को यदि आप हमें अकेला नहीं चाहते तो घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, जितना भी अवकाश मिले, सामूहिक रूप से जिस समय मन में कोई काम की बात ना हो सोचने की, तो इस नाम का उच्चारण करें। कुटुंब परिवार के बच्चे बच्चे को यह नाम रटवा दें। अंडा, मुर्गी, मछली, सुअर, गाय, बैल, भैंस, जो इस समय के प्राणियों के प्रमुख भोजन हैं, इनसे दूर रहें, क्योंकि विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पदमधारी जीव जगत विशिष्ट अद्वैत सगुण ब्रह्म शेषशायी क्षीर सागरवासी महाविष्णु के अवतार श्री कल्कि भगवान की भक्ति का यह मार्ग है। इसमें निरामिष भोजन से प्रगति होती है। गुरुदेव आगे कहते हैं, हमारी कोई 72 साल की उम्र है,
आपकी भी लगभग 67 साल की होगी। इस समय तो हमें और आपको हर समय तुलसी और कल्कि भगवान को ही मुख में रखना चाहिए। कल्कि भगवान को छोड़कर संसार मिथ्या है। इस नाम से एक पंथ दो काम होते हैं, अपना ईश्वर से संबंध बनता है, ब्रह्म का आनंद मिलता है, अगले जन्म के लिए भगवान के प्रेम व संबंध की नींव धरी जाती है, भारतवर्ष की शक्ति बढ़ती है और भारतवर्ष के हिंदू धर्म के शत्रुओं के संघार के कारण बनते हैं। जितेंद्र नाथ राय 22 साल वाले सीता नाथ डे के साथ हमारे घर आए थे, बड़ा प्रेम करके गए और सीतानाथ डे के हाथों एक खजूर की भीली भी भेजी थी। यदि पत्र भेजे तो उन्हें भी कल्कि भगवान का नया मंत्र, नया हुक्म जो हम लोगों के सिर आया है लिख दें। आध्यात्मिक काम केवल थ्योरी नहीं है, प्रत्यक्ष है, इसमें लापरवाही करना जुर्म है। सीतानाथ डे यह दिल्ली में सन 1935 के पहले सेक्रेट सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने अपना नाम ब्रह्मचारी रख छोड़ा था। आगे वो कहते हैं, उन्हें चेचक निकली आई थी, हमने उन्हें अपने घर में रखा, उनका इलाज किया, उन्होंने इसका बड़ा उपकार माना। कल्कि भगवान के काम के सामने और सब काम छोटे, क्षुद्र और तुच्छ दिखाई देते हैं। सुशील चंद्र लाइडी हमारे साथ जेल में कई महीने रहे, 8 दिन तक उन्होंने कल्कि नाम की ऐसी रगड़ लगाई कि हमें आज तक ऐसी रगड़ लगाने वाला, ऐसा नाम जपने वाला नहीं मिला। 8 दिन के भीतर ही ईश्वर आत्म ज्योति रूप में प्रकट हो गए। मैं उनको अपना बड़ा मानता था और वो प्रेम से मुझे अपना बड़ा कहते थे आप हमारे लिए अपने भोजन में से एक ग्रास छोड़ दीजिए, और ये भी कहते थे कि आपकी जो जेल की कोठरी है उसमें साफ सफाई हम करेंगे, कोई नौकर नहीं करेगा, आपके जो बर्तन है वो हम साफ करेंगे, ये मेरा हक है, यह कहकर वो मेरे साथ झगड़ा किया करते थे। मैं हंसता रहता, आज वे होते तो मेरी कदर को जानते, नाम जपने से कितना परिश्रम होता है, कितनी थकान होती है और नाम जपने से क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, यह जब ही पता चलता है जब आदमी लगातार भजन करे, वह ही नाम की महिमा को समझ सकता है। भगवान ने कहा है कि सदैव लगातार रात दिन ईश्वर का भजन करना चाहिए, उनके कमल चरण के सुगंधि का सेवन करना चाहिए। अव्यावर्त भजनात्, अखंड भजन से भगवान की महिमा दिखती है, यह कीर्तन किया हुआ शीघ्र ही प्रकट हो जाता है और भक्तों को अपना अनुभव करा देता है। ईश्वर का ज्ञान इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, इस बात को भारतवर्ष के लोग अच्छी तरह जानते हैं, यूरोप वाले नहीं। ईश्वर से बहिर्मुख होने से म्लेच्छ बन जाते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा देश ईश्वर और धर्म प्रधान है, इसीलिए यहाँ इसी देश में ईश्वर भगवान अवतार धारण करते हैं। आप तो बुद्धिमान है, आपको तो केवल इशारा ही काफी है, काम करने का समय है, अध्रुव शरीर से ध्रुव कार्य कीजिए। आपके संस्कार पहले जन्मों के बड़े प्रबल हैं, यह जन्म भी ज्योतिर्मय बना डालिए। आपसे प्रेम रखने वाला लक्ष्मी नारायण, भूतपूर्व रामकृष्ण परमहंस, महाभारत काल का माधवित साथी। बोलो कल्कि भगवान महाराज की जय। गुरुदेव आपकी सदा ही जय हो। जय जय गुरुदेव बालमुकुंद जी महाराज की जय जय जय। बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। जय जय गुरुदेव बालमुकुंद जी महाराज की जय। और जय जय गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय जय जय। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी का जो पुस्तक श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत वाणी का हमने एक पत्र लिया था, आज उसका हम पार्ट जो सेकंड है वो ले रहे हैं। ये पत्र पेज नंबर 12 पे था और हमने 15 तक इसको पढ़ा था। आगे का जो वृतांत है वो हम आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापते अरमापते। इस मंत्र की ध्वनि से पुकार
करने से देश का बल बढ़ेगा और हमारा भी बल बढ़ेगा। और भगवान कह रहे हैं कि मैं जल्दी युद्ध छेड़कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। गुरुदेव आगे कहते हैं, प्रत्येक रविवार को यदि आप हमें अकेला नहीं चाहते तो घंटा, दो घंटा, दस मिनट, जितना भी अवकाश मिले, सामूहिक रूप से जिस समय मन में कोई काम की बात ना हो सोचने की, तो इस नाम का उच्चारण करें। कुटुंब परिवार के बच्चे बच्चे को यह नाम रटवा दें। अंडा, मुर्गी, मछली, सुअर, गाय, बैल, भैंस, जो इस समय के प्राणियों के प्रमुख भोजन हैं, इनसे दूर रहें, क्योंकि विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पदमधारी जीव जगत विशिष्ट अद्वैत सगुण ब्रह्म शेषशायी क्षीर सागरवासी महाविष्णु के अवतार श्री कल्कि भगवान की भक्ति का यह मार्ग है। इसमें निरामिष भोजन से प्रगति होती है। गुरुदेव आगे कहते हैं, हमारी कोई 72 साल की उम्र है, आपकी भी लगभग 67 साल की होगी। इस समय तो हमें और आपको हर समय तुलसी और कल्कि भगवान को ही मुख में रखना चाहिए। कल्कि भगवान को छोड़कर संसार मिथ्या है। इस नाम से एक पंथ दो काम होते हैं, अपना ईश्वर से संबंध बनता है, ब्रह्म का आनंद मिलता है, अगले जन्म के लिए भगवान के प्रेम व संबंध की नींव धरी जाती है, भारतवर्ष की शक्ति बढ़ती है और भारतवर्ष के हिंदू धर्म के शत्रुओं के संघार के कारण बनते हैं। जितेंद्र नाथ राय 22 साल वाले सीतानाथ डे के साथ हमारे घर आए थे, बड़ा प्रेम करके गए और सीतानाथ डे के हाथों एक खजूर की भीली भी भेजी थी। यदि पत्र भेजे तो उन्हें भी कल्कि भगवान का नया मंत्र, नया हुक्म जो हम लोगों के सिर आया है लिख दें। आध्यात्मिक काम केवल थ्योरी नहीं है, प्रत्यक्ष है, इसमें लापरवाही करना जुर्म है। सीतानाथ डे यह दिल्ली में सन 1935 के पहले सेक्रेट सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने अपना नाम ब्रह्मचारी रख छोड़ा था। आगे वो कहते हैं, उन्हें चेचक निकली आई थी, हमने उन्हें अपने घर में रखा, उनका इलाज किया, उन्होंने इसका बड़ा उपकार माना। कल्कि भगवान के काम के सामने और सब काम छोटे, क्षुद्र और तुक्ष दिखाई देते हैं। सुशील चंद्र लाइडी हमारे साथ जेल में कई महीने रहे, 8 दिन तक उन्होंने कल्कि नाम की ऐसी रगड़ लगाई कि हमें आज तक ऐसी रगड़ लगाने वाला, ऐसा नाम जपने वाला नहीं मिला। 8 दिन के भीतर ही ईश्वर आत्म ज्योति रूप में प्रकट हो गए। मैं उनको अपना बड़ा मानता था और वो प्रेम से मुझे अपना बड़ा कहते थे, आप हमारे लिए अपने भोजन में से एक ग्रास छोड़ दीजिए। और ये भी कहते थे कि आपकी जो जेल की कोठरी है उसमें साफ सफाई हम करेंगे, कोई नौकर नहीं करेगा, आपके जो बर्तन है वो हम साफ करेंगे, ये मेरा हक है। यह कहकर वो मेरे साथ झगड़ा किया करते थे। मैं हंसता रहता, आज वे होते तो मेरी कदर को जानते। नाम जपने से कितना परिश्रम होता है, कितनी थकान होती है और नाम जपने से क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, यह जब ही पता चलता है जब आदमी लगातार भजन करे, वह ही नाम की महिमा को समझ सकता है। भगवान ने कहा है कि सदैव लगातार रात दिन ईश्वर का भजन करना चाहिए, उनके कमल चरण के सुगंधि का सेवन करना चाहिए। अव्यावर्त भजनात्, अखंड भजन से भगवान की महिमा दिखती है। यह कीर्तन किया हुआ शीघ्र ही प्रकट हो जाता है और भक्तों को अपना अनुभव करा देता है। ईश्वर का ज्ञान इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, इस बात को भारतवर्ष के लोग अच्छी तरह जानते हैं, यूरोप वाले नहीं। ईश्वर से बहिर्मुख होने से मृक्ष बन जाते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा देश ईश्वर और धर्म प्रधान है, इसीलिए यहाँ इसी देश में ईश्वर भगवान अवतार धारण करते हैं। आप तो बुद्धिमान हैं, आपको तो केवल इशारा ही काफी है, काम करने का समय है, अध्रुव शरीर से ध्रुव कार्य कीजिए।
आपके संस्कार पहले जन्मों के बड़े प्रबल हैं, यह जन्म भी ज्योतिर्मय बना डालिए। आपसे प्रेम रखने वाला लक्ष्मी नारायण भूतपूर्व रामकृष्ण परमहंस महाभारत काल का माध्विक साथी। बोलो कल्कि भगवान महाराज की जय। गुरुदेव आपकी सदा ही जय हो। जय जय गुरुदेव बालमुकुंद जी महाराज की जय जय।